तकरीबन 4:30 बजे का समय रखा गया है यहाँ पर, जब ये बैठक होगी, सभी दलों के नेता इसमें शामिल होंगे। सदन किस तरीके से सुचारू रूप से संचालित किया जाए इसको लेकर यहाँ पर चर्चा होगी। ठीक 4:30 बजे कार्यमंत्रल समिति की जो बैठक है वो शुरू होने जा रही है। इसके साथ आपको बता दें जो सभी दल के नेता है वो उसमें शामिल रहने, सदन को सुचारू रूप से चलाने पर बात होगी जैसा कि हमने बताया। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बैठक में शामिल रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह भी शामिल होंगे, बीजेपी विधायक खजान दास भी इसमें मौजूद रहेंगे, बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद भी इसमें शामिल रहेंगे। तो रामानुज तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कार मंत्रणा समिति की भी मीटिंग है रामानुज, कैसी तैयारी उसको लेकर, कौन सा बड़ा मुद्दा होगा, एजेंडा क्या रहने वाला है इस मीटिंग का? देखिए 14 जून यानी कि कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, उसके पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है, आज शाम 4:30 बजे विधानसभा में होगी और कार्य मंत्रणा समिति के जो सभी पदाधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी शामिल होंगे। किस तरह से विधानसभा का सत्र चलाया जाएगा, विपक्ष की तरफ से क्या मुद्दे होंगे, सरकार अपना क्या बिजनेस पटल पर रखेगी, इन मुद्दों को लेकर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है। चूंकि सत्र का कल पहला दिन होगा, ऐसे में किसी तरह से कोई विपक्ष हंगामा न करे और पूरी तरह से सदन सुचारू रूप से चले, तो इन मसलों को लेकर के चर्चा की जाएगी। लेकिन खास बात यही है कि जिस तरह से सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि विपक्ष के जो भी सवाल आएंगे सरकार पूरी तैयारी के साथ सदन में जाएगी, विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा, सदन शांतिपूर्ण तरीके से चले, किसी तरह से विपक्ष हंगामा न करे, उन बातों को लेकर के आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा होगी कि आखिर सदन जब कल पहले दिन शुरू होगा तो क्या क्या मुद्दे आते हैं। फौरी तौर पर जो जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।